सिंपल वन स्कूटर का इंतजार पूरे देश के कस्टमर्स कर रहे हैं, लेकिन सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरीज होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रहा है। गजब बेइज्जती है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों, ये लाइंस या ये डायलॉग्स सिंपल वन की डिलीवरीज पर एकदम परफेक्ट लागू हो रहे हैं, क्योंकि सिंपल वन की डिलीवरीज एज यूजुअल अगेन पोस्टपोन हो चुकी है। तो चलिए फिर से एक बार देखते हैं सिंपल वन की नई डिलीवरी डेट्स क्या है, ये कौन से शहर में पहले डिलीवर होने वाली है और इसकी प्राइस कितने बढ़ने वाली है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स और अपने सारे व्यूवर्स को थैंक यू और धन्यवाद कहना चाहूंगा। आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही आज हम इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं और जल्दी ही हमारे चैनल के 3000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं। सो वंस अगेन थैंक यू टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स एंड ऑल माई फ्रेंड्स। तो ऐसा ही प्यार बनाए रखे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करते रहिए। चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सिंपल वन की डिलीवरीज वंस अगेन पोस्टपोन हो चुकी है। अभी कुछ दिनों पहले ही सिंपल एनर्जी के तरफ से कहा गया था कि मार्च 23 के लास्ट वीक से डिलीवरीज शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी ये मार्च भी खत्म होने को है, लेकिन अभी तक सिंपल वन की डिलीवरीज शुरू नहीं हुई है। और ऐसे में सिंपल एनर्जी की तरफ से एक न्यूज निकल के आ रही है कि सिंपल वन की डिलीवरीज अप्रैल के लास्ट वीक में शुरू हो सकती है। यानी कि एज यूजुअल स्कूटर की डिलीवरी का टाइम नजदीक आते ही अगेन सिंपल एनर्जी की तरफ से डिलीवरी की डेट्स पोस्टपोन कर दी गई है। अब कुछ यूट्यूबर्स इसे ऐसे बता रहे हैं कि सिंपल वन की डिलीवरीज नेक्स्ट मंथ में शुरू होने वाली है और ये सिंपल वन कस्टमर्स के लिए गुड न्यूज है, लेकिन रियल फैक्ट तो ये है कि सिंपल वन की डिलीवरीज पोस्टपोन हो चुकी है और ये सिंपल वन कस्टमर्स के लिए एक बैड न्यूज है। दोस्तों, सिंपल एनर्जी की तरफ से सिंपल वन स्कूटर को 15 अगस्त 2021 को अनवील किया गया था और इसकी डिलीवरीज डेट भी 2022 तक बताई गई थी, लेकिन अभी तक यानी कि 2023 के 3 महीने भी निकल चुके हैं, लेकिन अभी तक सिंपल वन की डिलीवरीज का कोई आता पता नहीं है। सिंपल वन के साथ में भी ओला का भी लॉन्चिंग हुआ था, यानी कि 15 अगस्त 2021 को ओला को भी अनवील किया गया था और आज की डेट में 2 लाख से भी ज्यादा ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर रस्ते पे चल रही है और सिंपल वन का अभी भी बैटरी और मोटर पर काम चल रहा है। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि ओला के स्कूटर में तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम्स तो आने वाले हैं और उसका सॉल्यूशन भी होना चाहिए। जब भी किसी न्यू प्रोडक्ट का प्रैक्टिकल यूज शुरू होता है तो उसमें प्रॉब्लम तो आते ही है। जैसे कि ओला के फ्रंट सस्पेंशन में कुछ प्रॉब्लम आया है और उसे वीक बताया जा रहा है, लेकिन कंपनी ने इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट किया है और सभी यानी कि 2 लाख ओला स्कूटर्स के फ्रंट सस्पेंशन कंपनी फ्री में चेंज करके दे रही है। तो ओला की तरफ से इस प्रॉब्लम को काफी अच्छे से हैंडल किया गया है और कस्टमर्स का भरोसा भी जीता है। सिंपल वन की बात करें तो सिंपल वन की टेस्टिंग 1.5 साल से ज्यादा समय से चल रही है, तो इसका मतलब सिंपल वन में तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, जब सिंपल वन भी रस्ते पे चलेगी तो उसमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आने वाला है। सिंपल वन की प्राइस हाइक की बात करें तो सिंपल वन की जो नई डिलीवरी डेट्स निकल के आ रही है यानी अप्रैल लास्ट वीक में, तो उस टाइम पे सिंपल वन की प्राइस में भी इंक्रीमेंट होने वाला है। तो एग्जैक्ट कितना इंक्रीमेंट होने वाला है ये तो अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन सिंपल वन का प्राइस इंक्रीमेंट होने वाला है। दोस्तों, सिंपल एनर्जी की तरफ से अभी हाल ही में सिंपल विजन वन नाम से तमिलनाडु के शूलगिरी में फैक्ट्री ओपन की गई थी और साथ ही इन्होंने $20 मिलियन का फंड भी रेज किया है और इनको 1 लाख से ज्यादा की स्कूटर्स की बुकिंग भी मिल चुकी है और फिर भी ये सिंपल वन की डिलीवरीज डिले करते जा रहे हैं। तो ऐसे में सिंपल वन की बुकिंग्स कैंसिल होने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला है। तो दोस्तों, 1.5 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है और ऐसे में सिंपल वन के स्पेसिफिकेशंस भी काफी सारे लोग भूल चुके होंगे। तो चलिए सिंपल एनर्जी के सिंपल वन के कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स देखते हैं। सिंपल वन में आपको 4.8 किलोवाट आवर की बैटरी पैक मिलता है जो कि आपको 238 किलोमीटर की IDC रेंज देता है। इसमें आपको 203 किलोमीटर की रियल रेंज मिलने वाली है। साथ ही में सिंपल वन में आपको 300 किलोमीटर रेंज वाला एक मॉडल भी मिलने वाला है। सिंपल वन में आपको 8.5 किलोवाट की एक बेल ड्राइव मोटर मिलने वाली है। ये पहले चेन ड्राइव मोटर दिखाई गई थी और बाद में इसे बेल ड्राइव के साथ दिखाया गया था। अब लॉन्चिंग के टाइम पे ये चेन ड्राइव के साथ मिलती है या बेल ड्राइव के साथ मिलती है ये देखने लायक होगा। फ्रेंड्स, मैंने भी सिंपल वन बुक कर रखी है और अभी भी मेरी बुकिंग है, मैंने बुकिंग कैंसिल नहीं की है,
लेकिन डिलीवरी की डिले चलते मैंने ओला S1 परचेस की है और लास्ट 6 मंथ से मैं अपनी ओला S1 यूज कर रहा हूँ और मैं अपनी ओला से फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। तो देखते हैं इस बार सिंपल वन की डिलीवरीज टाइम पे होती है या फिर एज यूजुअल अगेन इसे पोस्टपोन किया जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर। जय हिंद।